हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैं एक बेबी पजामा बना रही हूँ। काफ़ी दिन से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम न्यूबॉर्न बेबी के पजामे की मेज़रमेंट बताइए। तो मैंने पजामा तो अपलोड किया हुआ है, मगर मैंने मेज़रमेंट नहीं बताई हुई है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मेज़रमेंट भी बताऊँगी और कैसे बनाना है ये भी बताऊँगी। सिंपल सा पजामा है, नॉर्मल पजामा। देखिए, यहाँ पर मैंने 40 फंदे डाले हुए हैं, 40 फंदे डाले हैं। अगर आपको न्यूबॉर्न बेबी का बनाना है तो आप 30 फंदे डालिए, क्योंकि हमें न्यूबॉर्न बेबी को पहनना पड़ता है, उनके पैर पकड़ के उसमें डालना होता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ढीला चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये 2 साल के बच्चे का पजामा बनाया हुआ है। तो ये मैंने 40 फंदे डाले हैं, और 40 फंदे डालने के बाद मैंने यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैंने 2 कलर यूज़ किया है। तो हर दो दो चार चार सिलाइयों पर दोनों तरफ एक एक फंदे बढ़ाए हैं मैंने। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये 11 इंच है टोटल, 11 इंच से थोड़ा 10.5 इंच है, 10.5 इंच ये जांघ तक की लंबाई है। इसके बाद हम दोनों पोर्शन को मिला के बनाएंगे। न्यूबॉर्न बेबी के लिए आपको 8 इंच की लंबाई चाहिए, और 8 इंच के बाद आप दोनों पोर्शन को जोड़ेंगे, और उसके बाद आपको 2 से 3 4 साल तक के बच्चों के लिए, 5 साल तक के बच्चों के लिए 40 फंदे डालने हैं। 5 से बड़े बच्चों का बनाना चाहती हूँ तो आप 50 फंदे डालें, क्योंकि पैर वाला हिस्सा थोड़ा सा अगर आपको टाइट चाहिए तो 5 फंदे कम कर सकती हैं, वरना 40 फंदे ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास टोटल 74 फंदे हुए हैं, 74 फंदे यहाँ तक बनाए हुए हैं मैंने। और जहाँ 74 फंदे हो गए तो मैंने इसे घटाना बंद कर दिया। थोड़ा सा लूज पैंट है, बैगी स्टाइल में। और न्यूबॉर्न बेबी के लिए आप 30 फंदा डालेंगे, 4 4 सिलाई पे 2 2 फंदे बढ़ाते जाएंगे, और आपका 60 फंदे होने पर आप बढ़ाना बंद कर देंगे, और उसके बाद दोनों पोर्शन पूरी 8 इंच की लंबाई होने के बाद पूरा दोनों पोर्शन आप एक साथ बनाएंगे। दोनों पोर्शन बनाने से पहले हमें दोनों साइड 5 5 फंदे बढ़ाने होंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये 2 पोर्शन बना रखा हुआ है, ये देखिए दोनों बना रखे हैं। तो इसे बना के हमें दोनों को एक में करना, आपको बताती हूँ जोड़ना कैसे। वो देखिए, आपका जितना जितनी भी आपकी लंबाई हुई हो और जितना आपका फंदा हुआ हो, छोटे बड़े साइज के हिसाब से, यहाँ तक तो आपको फंदे अलग अलग करने हैं। जैसे मान लीजिए न्यूबॉर्न बेबी के लिए आपको यहाँ पे 60 फंदे चाहिए, यहाँ पे मैंने 74 फंदे लिए हुए हैं, ये 2 साल के बच्चे का है। तो अब हमें जोड़ना है ये एक पैर और दूसरे पैर, दोनों को हम एक साथ बनाएंगे। तो देखिए, पहले हम यहाँ पे 5 फंदे बढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5, ये 0 से 6 साल तक के बच्चों के पैंट के लिए आपको 5 फंदे बढ़ाने हैं। उससे बड़े साइज का बनाना हो तो आपको यहाँ पे 8 फंदे बढ़ाने होंगे। अब देखिए, अब इन 5 फंदों को और जो हमारे ये सिलाई के फंदे हैं, इन सबको हम पहले उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। देखिए 2 3 4 और ये 5 5 फंदे हो गए, और 5 के बाद अब ये सारे फंदे हम बुन लेते हैं। देखिए, ये देखिए, ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली। यहाँ 5 फंदे बढ़ाए हैं, 5ों को उल्टा बुना, और ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे हम 10 फंदे बढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहाँ 10 फंदे बढ़ा लिए। आपने यहाँ पे जितने फंदे बढ़ाए हैं, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे 8 फंदे बढ़ाए हैं, तो यहाँ पे हम 16 फंदे लेंगे। यहाँ जो हमने पहली बार फंदे बढ़ाए हैं, इसका जस्ट डबल हमें यहाँ पे बनाना है। और अब इसके बाद देखिए, जो दूसरा पोर्शन है, इसमें हमने अभी तक फंदे नहीं बढ़ाए हैं। यहाँ पे ऊन को जोड़ रखा है, तो देखिए ये ऊन तोड़ दिया है, तो यहाँ पे इस ऊन को इसमें हम जोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से जोड़ लेंगे, और अब इस सारे फंदों को, दूसरी सिलाई के सारे फंदों को भी हम इसी में बुन लेंगे। ये देखिए, ये रो हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमने दोनों पोर्शन को देख सकते हैं, आप नीचे रख के दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए, दोनों पोर्शन को हमने जोड़ लिया। अभी हमने यहाँ पे फंदे नहीं बढ़ाए हुए हैं, तो अब यहाँ पे हम 5 फंदे बढ़ाएंगे इस जगह पे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5, यानी कि हमने 20 फंदे बढ़ाए हैं। देखिए 5 यहाँ बढ़ाए हैं एक पैर के इस तरफ, 1 5 फंदे यहाँ बढ़ाए हैं, दोनों को जोड़ने के पहले हमने ये 10 फंदे बढ़ाए हैं।
अब यहाँ से आपके जितने फंदे दोनों हैं, दोनों के टोटल में 20 फंदे बढ़ जाएंगे। अब आपको सीधा उल्टा बुनना है, कम से कम 8 इंच की बुनाई करने के बाद फिर हम इसमें इलास्टिक डालने के लिए जगह बनाएंगे। तो पहले इसे सीधा उल्टा 8 इंच बुन लीजिए। पर्याप्त लंबाई का बुन लिया है, ये मैंने टोटल 9 इंच बुना है। 1 इंच जो है वो हमारे मोड़ने के काम में आएगा। अगर आप न्यूबॉर्न बेबी के लिए बना रही हैं तो उसके लिए 7 इंच बुने और 1 इंच मोड़ने के काम में आएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, ये हम इसे या तो आप इसे उतार दीजिए और उतार के इसकी सिलाई कर दीजिए, पर मैं इसे यहाँ पे सुई से उतारूँगी और सुई से उतारना मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए इसे हम इस तरह से मोड़ेंगे, 1 इंच हिस्सा जो है 1 इंच इस तरह से करेंगे। और देखिए ये जो नीचे, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से करेंगे। और देखिए जो लाइन आपको दिख रही है, किसी भी एक लाइन को ले लीजिए, देखिए उल्टे की एक रो किसी भी एक लाइन को ले लीजिए, उसका जो फर्स्ट फंदा है, देखिए इसका फर्स्ट फंदा यहाँ है, ये वाला है, देखिए ये इसका फर्स्ट फंदा है इस रो का, तो ये फर्स्ट फंदा है। इसमें हम सुई को अंदर से बाहर की तरफ डालेंगे। यहाँ पे मैंने धागे को कट कर दिया है और उसमें हमने सुई डाल दी है, ये देखिए, ये कर लिया हमने। अब इसके बाद फिर हम वापस से इसके अंदर इंसर्ट करेंगे सुई। ये हमारा शुरू का है, फर्स्ट वाला फंदा है, उसका जैसे हम शोल्डर उतारते हैं वैसे उतारेंगे, फिर जिसमें हमने सुई डाली थी उसमें हम फिर से एक बार सुई को इंसर्ट करेंगे इस तरह से। देखिए ये हमारा पहला फंदा हो गया। अब देखिए इसके पास वाला, जस्ट इसी रो में इसके पास वाला इस तरह से लेंगे और इसे हम पहले फंदे में इस तरह से डालेंगे, इसे गिरा देंगे। फिर इसके बाद दूसरे फंदे में बाहर से अंदर की तरफ डालेंगे इस तरह से, और यहाँ से ये देखिए इस फंदे में फिर से इसे डाल देंगे। फिर अगले फंदे में इस तरह से डालेंगे और ये इस तरह से, और इसे हम गिरा देंगे। जिस तरह से आप कंधे उतारते हैं उसी तरह से इसे आप उतारेंगे, ये देखिए इसमें से निकाल दिया। फिर अगले फंदे से ऐसे निकालेंगे और इसी फंदे में देखिए जिसमें हमने नीचे से उठाया था इसी में हम इस तरह से इसे निकालेंगे। फिर इसके बगल वाले में, मतलब हमें जो फंदे उठाने हैं वो एक ही रो से उठाने हैं, ये देखिए ये जो लाइन है इसी में इस तरह से उठाने हैं, देखिए इस तरह से ऐसे उठाएंगे और इसे इस तरह से गिरा देंगे। और इसी तरह सारे फंदों को हम उतार लेंगे जिससे ये हमारा इलास्टिक का स्पेस बन जाएगा। ये इलास्टिक स्पेस बनाना मैंने आपको अपनी पिछली एक वीडियो में भी बताया था, मैं उसका भी लिंक दे दूंगी। कंधे जैसे उतारते हैं वैसे उतारेंगे, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप इसे सीख सकते हैं। अब हम इसे इसी तरह से पूरा उतार लेते हैं, फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। कर लिया, यहाँ पे उतार लिया है। अब देखिए ये हमारा इस तरह से इलास्टिक स्पेस बन गया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसे हम इस तरह से जोड़ेंगे और ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे अभी हमें नहीं सिलना है। ये जहाँ हमने फंदे बढ़ाए थे, देखिए यहाँ पे जहाँ हमने फंदे बढ़ाए थे, ये 5 फंदे और ये यहाँ पे इसमें, ये दोनों आपको एक साथ लेके ये सिलाई करनी है। तो यहाँ से पहले हम इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से इन दोनों हिस्सों को ऐसे मिला लेंगे, देखिए इस तरह से, और चाहे जैसे आप सिलाई करते हो, बस थोड़ी टाइट सिलाई करनी है आपको। इस तरह से मैं उल्टी बखिया करती हूँ इस तरह से, देखिए उल्टी बखिया से जो सिलाई है वो बराबर अच्छी आती है। आप राउंड अप सिलाई भी कर सकते हैं, क्रोशिया से भी सिलाई कर सकते हैं। तो चाहे जैसे करते हो, यहाँ तक आपको सिलते हुए आना है इस तरह से, यहाँ तक ये जो हमारा स्पेस है इसे छोड़ देना, इसे हम बाद में सिलेंगे, यहाँ तक हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। अब देखिए ये सिलने के बाद ये जो पैर का हिस्सा है, ये पैर वाले हिस्से को ऐसे करेंगे और इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ से यहाँ तक देखिए यहाँ पे धारियाँ हैं, तो धारियों को धारियों से ऐसे मिलाते हुए इस तरह से, धारियाँ धारियों से मिले इस तरह से हमें इसकी सिलाई करनी है। तो ये पूरी सिलाई इस तरह से करते हुए हम आएंगे। तो पहले यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेते हैं। अभी देखिए जहाँ हमने ये फंदे बढ़ाए थे वहाँ तक हम आ गए, वहाँ तक की हमने सिलाई कर ली है। तो इसे इस तरह से मिलाएंगे और इसकी हम फिर यहाँ पे भी सिलाई करेंगे। ये जो सिलाई आप करेंगे ये थोड़ी आपको टाइट करनी है, ये मियानी का हिस्सा है, जो पजामे के सेंटर का हिस्सा है वो है। तो यहाँ से आप सिलाई थोड़ी सी आपको टाइट रखनी है ताकि ये खुले ना। ये देखिए
ये इतना, ये 10 फंदे हमने सेंटर में बढ़ाए थे और 5-5 फंदे जो कॉर्नर बढ़ाए थे वो हैं। तो इसे इस तरह से लेके हमें इसकी सिलाई करनी है, इस तरह से। ये देखिए यहाँ तक आ गए हम सिलते हुए, जहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए थे वहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ से सेकंड वाला पैर भी हम सिल लेते हैं, जैसे चाहे वैसे आप सिल लीजिए। अब देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम ये जो स्पेस हमने छोड़ा था इसमें इलास्टिक डालेंगे, तो इलास्टिक आप थोड़ा सा टाइट लें क्योंकि ये जल्दी लूज जाता है। मेरे पास ये पतली वाली इलास्टिक है तो मैं इसे डबल करके डाल रही हूँ। इस तरह से पिन में आप इलास्टिक को पिनअप कर लीजिए, और देखिए मेरी इलास्टिक थोड़ी सी पतली है ये तो, और ज़्यादा लूज है, तो मैं इसे डबल करके डाल रही हूँ ताकि ये टाइट रहे। और फिर इस तरह से ही देखिए, जैसे आप डोरी डालते हैं इस तरह से इसे करते हुए डाल लेंगे। अब देखिए ये निकालने के बाद यहाँ से पिन निकाल देंगे, और जितना आपको चाहिए मतलब जितना आपको कमर रखना हो ऐसे आप कर लीजिए, क्योंकि इलास्टिक थोड़ी ढीली होती है। तो देखिए इतना रख के जितना आपको चाहिए उतना ले लीजिए, बाकी को आप ऐसे सिल दीजिए। तो मैं यहाँ पे सिल नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने किसी और के लिए बनाया था, अगर उनको ढीला होगा तो टाइट कर लेंगे, और अगर टाइट होगा तो ढीला कर लेंगे। तो मैं इसमें ये बची हुई इलास्टिक इस तरह से लगा के ये नॉट लगा देती हूँ, इस तरह से देखिए, इस तरह से मैं एक गांठ लगा दे रही हूँ, क्योंकि किसी और के लिए है तो उनको जिस हिसाब से होगा वो अपना खोल के कर सकते हैं। तो और अगर आप किसी और के लिए बनाए तो आप भी इसी तरह से करें, क्योंकि हमें नाप एग्जैक्ट मेजरमेंट तो नहीं पता होता, हम लगभग के हिसाब से बनाते हैं। तो अगर उनको टाइट होगा तो वो खोल के इसे ढीला कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल नहीं खुलने वाला, और बची हुई इलास्टिक को इस तरह से देखिए इसको बाहर निकालेंगे एक साइड से, और बची हुई इलास्टिक को अंदर डाल देंगे। ये देखिए देखिए ये हमारी इलास्टिक अंदर चलेगी, और देखिए बिल्कुल भी इसकी गांठ भी पता नहीं चल रही, आराम से बच्चे को जाएगा। अब हम ये वाला पोर्शन सिलेंगे जो हमने ये छोड़ रखा है। ये देखिए यहाँ पे जो हमने धागा छोड़ा था उसमें हम सुई डाल देंगे। ये देखिए जो हमने फंदे उतारते हुए धागा छोड़ा था, और इसे हम बाहर ले आएंगे इस सिलाई से इधर करते हुए, इससे इलास्टिक इधर करते हुए, क्योंकि हम ये अंदर की तरफ जो राइट साइड है उसे सिलना है। तो देखिए कैसे सिलेंगे हम, ये देखिए ये जहाँ हमने फंदे उतारे हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और आधा ही हमें सिलना है चूँकि। तो ये देखिए दो हिस्सों को इस तरह से लेते हुए यहाँ से ऐसे लेंगे, और फिर इस हिस्से को ऐसे लेंगे। देखिए अब इस तरह से कर लेंगे, फिर यहाँ से सिलाई डालेंगे, सुई डालेंगे, फिर यहाँ से निकालेंगे इस तरह से। देखिए फिर यहाँ से ये ऊपर वाला लेंगे इस तरह से, और फिर ये इस वाले हिस्से को इस तरह से कर देंगे। और यहीं तक सिलना है ताकि अगर मान लीजिए कोई ज़रूरत पड़े टाइट या ढीला करने के लिए तो इसे आप छोड़ दें। और अगर आप एग्जैक्ट मेजरमेंट डालते हैं तो इसे चाहे तो आप सिल भी सकते हैं ऐसे, ये इस तरह से सिल भी लीजिए, और बस सिलके से छोड़ दीजिए। मैंने यहाँ पे गांठ लगा दी है, और जो धागा बचा है उसे आप इस तरह से करके ये बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ पे इसे हम कट कर देंगे। अब हम इस पैंट को सीधा कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही आसान सा और बहुत ही खूबसूरत सा बेबी पैंट बनके तैयार है, एकदम आसानी से बिगनर्स भी बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, और फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आती है। और डंगरी से ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि डंगरी में आपको बार बार निकालने पहनाने की दिक्कत होती है, और इसे आप आराम से निकाल पहना सकते हैं। तो इस पैंट को बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है और मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।